आज रूसी वायुसेना को 4 सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर प्लेन की नई खेप मिली। रूसी वायुसेना ने कुल 73 विमानों का ऑर्डर दिया है। भारतीय सेना ने T-90 टैंक की टरट को T-72 के हल पर सफलतापूर्वक लगाया। अब T-72 की मारक क्षमता में इजाफा हो सकता है। इससे अब T-72 टैंक से एंटी टैंक मिसाइल को दागा जा सकता है। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADGP मुकेश सिंह ने बताया, जम्मू के सिद्रा इलाके में बुधवार को तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कम से 4 आतंकवादी मारे गए। ट्रक से श्रीनगर जा रहे थे, आतंकी सेना ने मार गिराया। कश्मीर की ओर जा रहे एक ट्रक के संदिग्ध प्रतीत होने पर उसका पीछा किया गया और सिद्रा नाके के पास रोका गया। तभी उसका चालक श्रौच जाने के बहाने भाग निकला। 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल समेत अन्य गोला बारूद बरामद किया गया है। ट्रक मालिक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। ईरानी टीवी चैनल के अनुसार ईरान को जल्द ही 24 सुखोई 35 फाइटर प्लेन मिल सकते हैं। ये प्लेन ईरान को रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता के लिए बड़ी संख्या में ईरानी ड्रोन दिए जाने के बदले दिया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध होने के कारण ईरान एडवांस फाइटर प्लेन नहीं खरीद पा रहा था। दशकों बाद ईरान को नया फाइटर प्लेन मिलने की उम्मीद दिख रही है। अब देखने की बात होगी इन प्लेन के साथ ईरान और इसराइल के बीच शक्ति संतुलन की क्या स्थिति होती है। इसराइल के पास पहले से F-35, F-15 और F-16 मौजूद है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने युद्ध के समय साथ मिलकर काम करने और दुश्मनों को मारने के लिए संयुक्त ट्रेनिंग शुरू किया। इस ट्रेनिंग में वायुसेना की अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना की इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद अपाची अटैक हेलीकॉप्टर से युद्ध के समय कोऑर्डिनेशन बिठाना था ताकि पैदल सेना दुश्मनों को मार सके। 2020 से वायुसेना ने अपाची हेलीकॉप्टर मिलने शुरू हो गया है। कुल 22 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। इंडियन आर्मी ने भी 6 अपाची हेलीकॉप्टर की डील अमेरिका से किया है।